अभी मेयर का चुनाव है, इस चुनाव के कारण शराब आया और देखिए इतने लोगों की जान चली गई। तो ये नियम तो यहाँ नियम हो गया है कि जब जब चुनाव होते हैं शराब की बिक्री बढ़ जाती है। यहाँ नौजवानों को बहकाया जाता है, दारू देकर नौजवानों को बहकाया जाता है और उसे चुनाव में काम करवाया जाता है। ऐसा यहाँ के नेता लोग भी जो हैं, उनका जो शराब भेंडर हैं, यहाँ के नेता लोग के छत्रछाया में हैं, उनके छत्रछाया में बेचते हैं शराब। नीतीश कुमार खुलियाम कह रहे हैं जो पिएगा वो मरेगा, जो खाएगा वो जाएगा। कहाँ बंद बा, बंद रही तो कोई पी वही ना बोले सख्ती से पालन होना चाहिए। बंद बा बंद नहीं खे, सबसे राय कह के आई नीतीश कुमार पियाओ तनी बर्बाद करता नहीं सबका के। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर कह रहे थे कि बिहार में विधानसभा में जितने विधायक जा रहे हैं सबका अगर जांच कर दिया जाए तो 10-20 विधायक ऐसे मिल जाएंगे जो विधानसभा में दारू पी करके जाते हैं। देखिए हम खड़े हैं एक दरवाजे पे और कहीं ना कहीं यहाँ भी इनके पति और इनके पुत्र जहरीली शराब से उनकी मौत हुई है और यहाँ पे कहीं ना कहीं मिलने वाले यानी कि राजनीति भी होती है कहा जाए तो इस मौके पे। और बहुत सारे कम लोग हैं जो कि वोट के समय आते हैं और वोट के बाद नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पे यहाँ के निवर्तमान जिला पार्षद चांदनी जी आई हुई हैं और ये परिजनों से मिली, अंदर जा करके क्या गुप्तगु हुआ नहीं हुआ ये तो खैर इनका व्यक्तिगत चीज है, लेकिन ये क्या कहती हैं, कहीं ना कहीं ये भी उस समय वोट के समय आई होंगी, इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं शासन है, प्रशासन है, सरकार है, ये लोग भी जिले में मीटिंग के लिए जाती हैं, क्या बातें होती हैं नहीं होती है थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। जो ये जहरीली शराब से मौतें हुई हैं क्या कहिएगा उस पर? इस पर कहेंगे कि जहरीली शराब से मौत हुई है जबकि कहीं ना कहीं सरकार द्वारा इस पर बैन है, उसके बावजूद भी गलत तरीके से शराब बेचा जा रहा है और लोगों को मरवाया जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं सरकार भी दोषी हैं और प्रशासन भी दोषी हैं और हम सब दोषी हैं इसमें हम सब दोषी हैं कि इतने बृहद तौर पर अभी मेयर का चुनाव है, इस चुनाव के कारण शराब आया और देखिए इतने लोगों की जान चली गई। तो ये नियम तो यहाँ नियम हो गया है कि जब जब चुनाव होते हैं शराब की बिक्री बढ़ जाती है, शराब और मीठ शराब बांटना लोग वोट के लिए शुरू कर देते हैं। हम भी चुनाव लड़े हैं, किसी को गलत बहकाकर किसी से हम एक वोट लिए हैं, सही बात को रख कर वोट लिए हैं। चूंकि मेरे पति भी अब स्वर्गीय अशोक सिंह जो थे वो भी यहाँ के गरीब लोगों पर बैकवर्ड लोगों पर जो शोषण होता था उसका बीड़ा वो उठाया कि क्यों शोषण होता है, जिसके कारण उनकी 3 महीने में ही हत्या कर दी गई। तो समाज पूछिए समाज के लोगों से कि बहुत कुछ करके गए हैं, मैं उन्हीं की पत्नी हूँ और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलूंगी और जो भी काम होगा अच्छे तरीके से करूंगी, गलत कभी नहीं करूंगी ताकि लोगों को बाद में परेशानी हो। अच्छा आप कह रही हैं कि जब भी चुनाव होता है तो यहाँ मीठा शराब और शराब का खेप उतरता है, तो हाँ। क्या ये मतलब यहाँ पे यानी मसरक के अगल बगल जितना भी एरिया है यहाँ पे दारू के नाम पे ही वोट बिकता है और दारू के नाम पे ही वोट लोग मांगते हैं? ऐसा नहीं है कि सब लोग दारू के नाम पर ही वोट देंगे, यहाँ नौजवानों को बहकाया जाता है, दारू देकर नौजवानों को बहकाया जाता है और उसे चुनाव में काम करवाया जाता है। ऐसा थोड़ा है कि सब लोग दारू और मीट पर वोट देते हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं यहाँ। आप अभी देखिएगा जितने भी शराब से मरे हैं ज्यादा उसमें नौजवान ही 25-26 साल के 24 साल के 30 साल के नौजवान ही कहीं ना कहीं हैं। आप जिला पार्षद में बैठती हैं, जिला सभागार है, उसमें कभी ये सवाल डीएम से उठाए कि नहीं उठाई है? देखिए हाँ हम तो अनेकों सवाल उठाए हैं लेकिन अभी तक ये शराब वाली मुद्दा पर अभी सवाल नहीं उठाए, अब उठाएंगे। जैसे 3 मीटिंग हुई है अभी तक, तीनों मीटिंग में हम सवाल उठाए हैं, मेरा काम भी हुआ है, अब इस मुद्दे पर भी उठाएंगे और जहाँ तक मेरे जिला परिषद के हैसियत से मेरी क्षमता होगी वहाँ तक इसका हम सवाल उठाएंगे और जोर डालेंगे कि इसको इस पर मैंने कड़ा शासन किया जाए ताकि गलत तरीके से शराब न बिके और ताकि आगे लोगों की जान न जाए। बिहार में नीतीश सरकार है और कह रही है कि जो पिएगा सो मरेगा, दूसरा चीज जब मुआवजे की बात जो विपक्षी दल यानी कि भाजपा की तरफ से की जा रही है तो बोल रहे हैं कि नहीं मैं 1 रुपए भी मुआवजे नहीं दूंगा। कौन बोला? नीतीश कुमार बोल रहे हैं। नीतीश कुमार अब क्या बोलते हैं क्या करते हैं
वो तो हमको पता नहीं है, लेकिन उनसे एक आग्रह जरूर हम करेंगे आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि अगर शराब बंदी किए हैं तो सख्त माने एकदम सख्त होकर इस पर कानून और बनाया जाए ताकि भविष्य में और घटना ना हो। आपके अनुसार क्या लगता है, पटना में वो बैठे हुए हैं, यहाँ पे छपरा जिला है, मसरक थाना है, तो क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन के मिली भगत से ये कार्य हो रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ के नेता लोग भी जो हैं, उनका जो शराब भेंडर हैं, यहाँ के नेता लोग के छत्र छाया में हैं, उनके छत्र छाया में बेचते हैं शराब, यानी कि मिली भगत से। हाँ, मिली भगत। इसमें समझिए कि हम समाज के लोग की भी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, प्रशासन भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है और सरकार भी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है, तो ये सबकी कमी इसमें कही जाएगी, बेचने वाले की कमी, पीने वालों की कमी, सरकार की कमी, यहाँ के जो नेता लोग हैं बड़े उनकी कमी, सब लोगों की कमी से ही यही होगा है। सरकार नीतीश सरकार जीत पड़ी हुई है कि कितना भी हो जाए, यानी कि लाखों मौत हो जाए, फिर भी शराबबंदी बिहार में रहेगी। अब इस पर वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, इसमें तो हम अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं। अब वो बड़े पद पर हैं, सीएम हैं यहाँ के, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे अब वो जाने, लेकिन ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। आपके हिसाब से शराबबंदी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, आप एक जनप्रतिनिधि हैं? शराबबंदी अगर होनी चाहिए, लेकिन अगर है तो उसका सख्ती से पालन होना चाहिए। हाँ, वो पालन हो नहीं रहा है जिसके कारण इतने लोगों की जान जा रही है, यानी खोल देना चाहिए। अब ये हम नहीं कहेंगे, अगर शराबबंदी है तो उसको और सख्त कानून इस पर बनाया जाए ताकि भविष्य में घटना ना हो, हम तो यही कहेंगे। इन लोगों से मिली है आप, इन लोगों का दुख आपने जाना, क्या इन लोगों की परेशानी क्या रही? इनके पति हैं, उनके पुत्र हैं, इन लोग के परेशान। अब जिसके घर में कोई जाता है, गुजर जाता है, उसको तो कहीं ना कहीं परेशान होना पड़ता है, जैसे हम झेले परेशानी, उसी तरह ये लोग भी परेशानी झेलना, तो कहीं ना कहीं इन लोगों का जो भी हमसे बन पड़ेगा इन लोगों का मदद हम करेंगे। यानी आप इन लोगों के साथ खड़ी हैं? हाँ, खड़े। देखिए, थोड़ी सी बात इनसे भी हम करेंगे, किस तरह से कहीं ना कहीं अभी काफी लंबी उम्र इनके सामने पड़ी हुई है, और जिस प्रकार से जो घटनाएं आज के परिवेश में हो रही हैं और जो देखा जा रहा है, बात तो हम नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि ऐसे ऐसे जगह से हम आ रहे हैं कि शायद वहां बात करना हमको उचित नहीं लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जिद वर्तमान की सरकार यानी नीतीश सरकार पे अड़ी हुई है, वो जिद कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे कितने लोगों को विधवा कर देगा, कितने माता के पुत्र चले जाएंगे, कितने बहन के भाई चले जाएंगे और कितने पत्नी के पति चले जाएंगे, शायद ये नीतीश कुमार सोच नहीं रहे हैं, उस पर विचार नहीं कर रहे हैं। शायद विचार होता तो पूर्ण रूप से होता, जैसे कि मैडम का भी कहना है, नहीं तो ओपन कर दिया जाता। क्या कहिएगा, हम तो खैर अब उस पर जाएंगे नहीं, जो सरकार है नीतीश सरकार उसे क्या कहिएगा? इसको बंद कर दिया जाए, पूर्ण मासूमों की जान ना जाए, पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाए, पूर्ण रूप से बंद किया। कितने बाल बच्चे हैं आपके? लड़का है, लड़की है, उसका पालन पोषण आप कैसे नीतीश कुमार करेंगे? नहीं बोल पाएंगे, देखिए नीतीश कुमार नहीं करेंगे। मैं जहां से भी आ रहा हूं, एक अभी जस्ट मैं जहां से आया वहां पे 2 साल पहले उनकी शादी हुई, उनकी भी एक बच्ची है। नीतीश कुमार पालन करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ठोक के मैं कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, नहीं करेंगे, क्योंकि उनको समय नहीं है। और कहीं ना कहीं जब विपक्ष आवाज उठा रहा है, जब बात कर रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं नकेल कसने का काम किया जा रहा है और उसपे कहीं ना कहीं जोर जबरदस्ती करने का काम किया जा रहा है। सवाल होना चाहिए और सवाल बिहार के 12 करोड़ आबादी को उठाना चाहिए, क्योंकि आज छपरा में हुआ है तो कल कहीं ना कहीं ये मधुबनी में होगा, कल कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के जिला नालंदा में भी होगा। उस पे चुप्पी साधे रहेंगे? जातिवाद की बात की जाती है, ये लोग मुस्लिम समाज से आते हैं, राजद MY की बात करती है, आज कहीं ना कहीं बंटाधार बन करके सत्ता में है, इस परिवार से मिलने कोई नहीं आ रहा है, यहाँ के जिला पार्षद आई हुई हैं, ये कह रही हैं कि मैं इनके दुख सुख में जब भी जरूरत पड़ेगा मैं खड़ा रहूंगी, लेकिन ऊपर के नेता कोई नहीं आ रहा है। और यहाँ नेताओं की मिली भगत, प्रशासन की मिली भगत से बिल्कुल यहाँ पे शराब बेचा जा रहा है, लोग पी रहे हैं, मर रहे हैं, और नीतीश कुमार खुलियाम कह रहे हैं जो पिएगा वो मरेगा, जो खाएगा वो जाएगा। क्या कहिएगा? यही वो बच्ची है, देखिए यही वो, कितने साल की बच्ची है? 2 साल की ये बच्ची है, देखिए गौर से देखिए नीतीश कुमार, गौर से देखिए, यही वो 2 साल की बच्ची है जिसके सर से पिता का साया चला गया और आज इसको पूछने वाला कोई नहीं है,
का कहिएगा आप लोगों से वोट लेने के समय कहा जाता है कि फलाना पार्टी में वोट दीजिए चिलाना पार्टी में वोट दीजिए। आज उपटिया पूछना यार ना, कोई पूछे नहीं के आवत है मुसीबत में, मुसीबत डालवा दे लख लो कोई नहीं के पूछे आवत। तो वोट के समय इस चीज रोग लोग नहीं बुझात। अब आदमी दौड़त तो का करे कोई ना कहीं तो हमरा देही के बा तब का इस सरकार से खुश बानी ना ना हम खुश नहीं की सरकार से एबरा हमारा औलाद छीना गेल हम बच्चा लेके आ हम परल बनी हम खुश बानी ना हम खुश नहीं की का कहे के चाहे सुविधा नहीं के हमरा बच्चा के हम खुश के न रहे बताई ना। मुआवजा तो नीतीश कुमार कहत रहे हम ना देम। हां तो ठीक है बा ना देम तो उहे नहीं कर ले बानी मुआही खातिर नु तू कहत रहे जे महिला लोग कहल लो की बंद हो जाओ तब हम बंद कइनी तो महिला कहे आरोप लगाओ तो कहाँ बंद बा बंद रही तो कोई पे ही नहीं ना बोले सख्ती से पालन होना चाहिए बंद बा बंद नहीं खे सब से राय को के आई नीतीश कुमार पियावता नहीं बर्बाद करता नहीं सब का के। सुन सकते हैं महिलाओं के अंदर आक्रोश है। सुनिए नीतीश कुमार अगर सुन रहे हैं, अगर गूंगे नहीं है बहरे नहीं है अंधे नहीं है तो सुनिए देखिए और बोलिए। महिलाओं की बात करते हैं कि महिला बोली तो हमने बिहार में शराबबंदी कर दी। आज यही महिला बोल रही है कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी होना चाहिए, कोई नहीं पीना चाहिए, किसी के यहाँ नहीं बिकना चाहिए। लेकिन बिकवा रहा है आपका प्रशासन, बिकवा रहा है आपका नेता। और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर कह रहे थे कि बिहार में विधानसभा में जितने विधायक जा रहे हैं सबका अगर जांच कर दिया जाए तो 10-20 विधायक ऐसे मिल जाएंगे जो विधानसभा में दारू पी करके जाते हैं। जांच करवाइए सबसे पहले वहीं पे, पता चल जाए कि आपके अगल बगल बैठने वाला लोग दारू पी के बैठ रहा है कि बिना दारू पिए हुए बैठ रहा है। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय बिहार।